पार्वती जी का कहना है कि 400 से पार, उसमें बड़ी बात छिपा है। उसमें बात यह है कि 400 से पार करेंगे और पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित, आदिवासी का जो मिलता है आरक्षण उसको खत्म करेंगे। आप लोग एकदम समा, हम लोग इस बात को सोच लीजिए कि जो आरक्षण हम लोग को मिला है, केंद्र की सरकार आरक्षण को खत्म करने जा रही है, इसलिए 400 पार के फिराक लगाई है, इसलिए सड़क हो जाए उसके एक एक सीट पर लाला पड़ जाए, एक सीट ना मिले। जिस सिलेंडर का दाम 600 था उसका दाम आज 1100-1200 हो गया, तो ये गरीबों को चूल्हा फ्री में दिए कि गरीबों को कमाई को लूटने का काम किए, लूटने का काम किए हैं। महंगाई के चक्की में पूरे हिंदुस्तान के गरीब जनता पिसा रही है, मर रही है। नमक रोटी का भी व्यवस्था गरीबों के सामने नहीं है और कहते हैं कि देश का विकास हो रहा है। बाहर प्रधानमंत्री जी, बाहर में केंद्र में चलने में बैठने वाली सरकार, यह विकास है कि गरीबों के सामने से रोटी गायब हो गया? सारे चीज पर सब्सिडी था और सारा सब्सिडी का सामान ये केंद्र सरकार खा गई, गपक गई, मात्र फ्री में देते हैं, तो सब्सिडी का रुपया कहाँ गया? रुपया केंद्र सरकार खा गई और जनता का बेवकूफ बनाना है, इस सरकार की विशेषता है। हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे गृह मंत्री जी का जनता का बेवकूफ बनाना ही विशेषता है। केंद्र में जन विरोधी सरकार बैठी है, जनता को बेवकूफ बनाना एक केंद्र सरकार का यही सोच है। एग्जाम्पल के लिए गैस चूल्हा फ्री में दे दिए, सबको लगता है कि फ्री में केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार फ्री में गैस चूल्हा दे दी। जिस सिलेंडर का दाम 600 था उसका दाम आज 1100-1200 हो गया, तो ये गरीबों को चूल्हा फ्री में दिए कि गरीबों को कमाई को लूटने का काम किए, लूटने का काम किए हैं। महंगाई के चक्की में पूरे हिंदुस्तान के गरीब जनता पिसा रही है, मर रही है। नमक रोटी का भी व्यवस्था गरीबों के सामने नहीं है और कहते हैं कि देश का विकास हो रहा है। बाहर प्रधानमंत्री जी, बाहर में केंद्र में चलने में बैठने वाली सरकार, यह विकास है कि गरीबों के सामने से रोटी गायब हो गया? कहते हैं कि राशन फ्री में देते हैं, तो मनमोहन सिंह के सरकार में खाद्यान्न आपूर्ति का 2012 में यह योजना बना था, 2 रुपये 3 रुपये किलो में चावल मिलता था, उसके साथ सब्सिडी का बहुत सा सामान मिलता था, चीनी मिलता था, किरासन तेल मिलता था, डाटा मिलता था, सूजी मिलता था, सारे चीज पर सब्सिडी था और सारा सब्सिडी का सामान ये केंद्र सरकार खा गई, गपक गई, मात्र फ्री में देते हैं, तो सब्सिडी का रुपया कहाँ गया? रुपया केंद्र सरकार खा गई और जनता का बेवकूफ बनाना है, इस सरकार की विशेषता है। हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे गृह मंत्री जी का जनता का बेवकूफ बनाना ही विशेषता है। इसलिए जनता नाराज है और हमारे माननीय नेता पप्पू यादव जी, यहाँ पर उनका जो आगमन हुआ है, जो उनका सोच है, गरीब नीचे तबका के लोगों को, समाज के पीड़ित शोषित लोगों को उत्थान कराना, आकर और हम लोगों को रोष और जोश से भर दिए। हम समझते हैं कि जो कुछ आगे पीछे होंगे, अब एक एक वोट, सारा का सारा वोट कांग्रेस के पक्ष में जाएगा और कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से जीतेगी और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में लहर है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार तमाम तमाम जगह सांसद जीतेंगे और हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बहुत बहुत उम्मीद से हैं आप चाचा, मोदी जी बोल रहे हैं कि 400 पार होगा, आप नेता हैं कांग्रेस पार्टी, बड़ी याद, याद अच्छा बात याद दिला दी। मोदी जी का कहना है कि 400 से पार, उसमें बड़ी बात छिपा है, उसमें बात यह है कि 400 से पार करेंगे और पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित, आदिवासी का जो मिलता है आरक्षण उसको खत्म करेंगे, उनका ये योजना है। ऐ बंधु, आप लोग एकदम समा, हम लोग इस बात को सोच लीजिए कि जो आरक्षण हम लोग को मिला है, केंद्र की सरकार आरक्षण को खत्म करने जा रही है, इसलिए 400 पार के फिराक लगाई है, इसलिए सड़क हो जाए उसके एक एक सीट पर लाला पड़ जाए, एक सीट ना मिले। तमाम लोगों का हम सब मौका, एकदम एकजुट होकर भाजपा के विरोध में हम लोग उतर जाए, एक वोट का लाला हम लोग डाल दें, यही मामला है, यही मामला। आप चुनाव ना भी लड़ चुके हैं क्या, एकदम भाषण एकदम दे रहे हैं तरीके से? तो क्या भाषण नहीं देंगे, तो जो अंदर का भावना उसको तो व्यक्त करते हैं, हमारे अंदर जो भाव है उसको हम बोल रहे हैं और तो कुछ नहीं भैया। किसी को हम
हम अपमान तो नहीं कर रहे हैं, जो अपमान नहीं कर रहे हैं, अच्छी भाषा का प्रयोग, जो जो बातें जनता जनार्दन के सामने केंद्र सरकार की जो रवैया हम लोग देख रहे हैं, उसी चीज़ को हम सही चीज़ को उजागर कर रहे हैं। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंक कोर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन पीडीएफ। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18th अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in